हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो सी सेट पेपर टू की T5 सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चंस पेपर देखते हैं तो उसके अंदर आपका 1 to 2 क्वेश्चंस स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर आए हुए हैं। क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, लाइक स्पीड एंड डिस्टेंस मेन टॉपिक है, उसके अंदर से आपका ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपका बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपका रेसिस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? तो पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलाज जो हैं आपको पता होना चाहिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम के बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास में डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? आपका स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब अगर मान लो एक फॉर्मूला आपको पता है तो सारे तीनों के तीनों उसी से ही जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड टाइम क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आई होप ये आपके पास में जो तीनों फॉर्मूलाज हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे। क्लियर है? अब जो मेन पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ना डाउट आ जाता है कि जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर ने डिफरेंट तरीके से दे दिया तो बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ जी, इसको मैं डिस्टेंस लूँ या फिर स्पीड लूँ। क्लियर है? तो स्पीड जो है वो क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर इन पर यूनिट ऑफ टाइम। मीन्स लाइक आप ये कह सकते हो कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, जंप्स पर मिनट, इस तरह से कुछ भी हो सकती है। क्लियर? राउंड पर मिनट, इस तरह से आपके पास में जो स्पीड है पर साथ में लगा होगा, मीन्स पर यूनिट ऑफ टाइम। जो स्पीड है, स्पीड के अंदर साथ में आपके पास में मेंशन होगा पर यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर है? हाँ जी, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि आपकी अगर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बारे में बता रखा है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। ओके? और वैसे भी इसके साथ में तो जो यूनिट्स होंगी ऐसे हो सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो डिस्टेंस है इसमें कल्ला किलोमीटर होगा, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। और टाइम तो सभी को ही पता है, मीटर हो सक आप सॉरी मिनट हो सकता है आपका, ठीक है, आर हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, इस तरह से होगा। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं कि एक और पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो क्या है कि जब भी आप कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो इन सेम मेट्रिक सिस्टम, आपका जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है, ठीक है ना, इनकी सेम यूनिट आपने रखनी है। लाइक अपने पास में मान लीजिए जो अपना टाइम है, ठीक है, वो आपको सेकेंड में फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और डिस्टेंस आपके पास में जो है किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको, हाँ जी, सेकंड में ही शो करना पड़ेगा। अगर आपकी जो स्पीड है, स्पीड आपकी अगर किलोमीटर पर आर में गिवन है, मान लीजिए आपकी जो स्पीड है वो गिवन है आपकी किलोमीटर पर आर, ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर डिस्टेंस जो है वो आपका मान लीजिए किस में गिवन है, मीटर में गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो आपकी स्पीड है इसको सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स इसको मीटर पर सेकंड के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी किलोमीटर पर आर में दे रखी है तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 500 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5। क्लियर? हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया, किलोमीटर पर आर में है तो क्या करोगे, स्पीड इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और अगर आपके पास में मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 8/5। अगर बाई चांस आप भूल जाते हो कि 5/18 करना है या 5/12, कई बार एग्जाम के अंदर ना हमारा माइंड इतना पजल होता है कि याद नहीं रहता, तो अपने को इतना तो पता ही है कि जो किलोमीटर है बच्चे, किलोमीटर कितने मीटर होके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड यहाँ पे पर का मतलब क्या है, ये डिवाइडेड बाय आर, आर एक आर के अंदर कितनी सेकंड्स होते हैं आपके, 3600 सेकंड होते हैं, और जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में क्या वैल्यू निकल के आएगी, 5/18। क्लियर है? तो आपको बार बार ना सोल्व करना पड़े, तो इसलिए आपको ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट बता दिया कि आपको क्या करना है, अगर किलोमीटर पर आर में स्पीड गिवन है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके? और अगर आपकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आर के अंदर कन्वर्ट करनी है और मीटर पर सेकंड में गिवन है तो क्या करोगे आप, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि प्रोपोर्शनल जो स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे जो एक अपना सिंपल सा फॉर्मूला हमने किया था, क्या फॉर्मूला था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है आपके पास में,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड है डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे जा रहा है आपका, डायरेक्ट है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब यहाँ से ये डिवाइडेड बाय टी है, तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूला की, ठीक है, तो डिस्टेंस के फॉर्मूला में अपना क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये होता है आपका फॉर्मूला डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जो डिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई भी यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाई नहीं है, मल्टीप्लाई बाई है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दैट मीन्स कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी स्पीड आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपका टाइम कॉन्स्टेंट है। क्लियर? यहाँ पे जब भी आप प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करते हो तो जो आपकी तीसरी टर्म है उसको आप कॉन्स्टेंट लेके चलोगे। क्लियर है बच्चे? तो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक और कंसेप्ट आपका रह गया रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, इफ टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो लोग सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, जैसे कि ये आपके पास में एक रास्ता है, डिस्टेंस इसको कवर करना है, एक जो पर्सन है वो इधर जा रहा है एक्स स्पीड से, ठीक है जी, अब जो दूसरा पर्सन है वो भी इधर ही जा रहा है वाई स्पीड से, क्लियर है, और जो एक्स की स्पीड जो है वो ज्यादा है किससे, वाई की स्पीड से, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, मीन जिसकी स्पीड ज्यादा है माइनस द लेसर स्पीड। क्लियर है? हाँ जी। दूसरा का जो पॉइंट है वो है कि अगर दोनों के दोनों पर्सन आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये है आपका एक्स, ये इधर मूव कर रहा है और जो वाई है वो इस डायरेक्शन से इधर मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो रिलेटिव स्पीड है बच्चे वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी। रिलेटिव स्पीड सिंपल सा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर आपकी दो पर्सन, दो ऑब्जेक्ट, दो ट्रेन, दो मैन, कुछ भी है, दो ऑब्जेक्ट है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस होगी, अगर वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। क्लियर है? ये आपका कंसेप्ट, आपका चाहे ट्रेन का क्वेश्चन हो, ठीक है, या कोई और क्वेश्चन हो, तो सभी के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? हाँ जी। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो सीसैट 2016 के अंदर आया था, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए एंड बी वॉक अराउंड ए सर्कुलर पार्क, ए और बी एक सर्कुलर पार्क के अराउंड मूव कर रहे हैं, दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते भी इस पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू किया है, किस टाइम पे चलना शुरू किया, उन्होंने कहा है कि 8 AM, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ए आपका इधर चल रहा है और आपका बी ने इधर मूव करना शुरू किया। क्लियर? हाँ जी। वॉक इन द एट ए स्पीड ऑफ 2 hours पर, 2 rounds पर आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 rounds पर आर, मैंने अभी आपको बताया था कि आपका अगर पर यूनिट टाइम कुछ भी दे रखा है तो वो क्या है, एक तरह से स्पीड है, ठीक है, तो जो ए है उसकी स्पीड क्या हो गई आपकी, 2 rounds पर आर। क्लियर? एंड 3 rounds पर आर, जो बी है बी की कितनी है, 3 rounds पर आर। क्लियर? अब आगे कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9:30 AM। अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों आपके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के मूव अंदर मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, हाँ जी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, तो आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी दोनों की, ये हो गया आपके पास में 5 rounds पर आर। इसका मतलब क्या है कि वो जो पूरा कंप्लीट राउंड है, ठीक है, ये 1 घंटे के अंदर 2 round पूरे करता कला, ठीक है, ये यहाँ से अगर जाता है तो 3 rounds कंप्लीट कर रहा है 1 hour के अंदर। अब दोनों मिलके मान लो, जैसे यहाँ से ये हम मान लेते हैं कि भाई ये जो टोटल जगह है आपकी, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो दो ये थ्री एक राउंड जो है, सॉरी, जो ये आपका कंप्लीट 1 round है, तो ये यहाँ से आपके पास में ये 3 rounds पूरे कर रहा है और ये आपके 2 rounds पूरे कर रहा है, तो
तो जब दोनों मिलेंगे तो ये 5 के बाद ही मिल जाएंगे ना, मीन्स कि जो राउंड है इसका जो राउंड है ये यहाँ पे पहुंच गया मान लीजिए, ठीक है, एक टाइम के बाद में, 1 आवर के बाद में, और एक ये यहाँ पे पहुंच गए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, तो यहाँ पे उनका जो राउंड है वो खत्म हो गया जल्दी। दैट मीन्स कि जो कंप्लीट राउंड है, पहले यहाँ पे उसके 1 घंटे में 2 राउंड बन रहे थे, अब जो दोनों मिल रहे हैं तो उसको राउंड कंसिडर करके चल रहा है। मतलब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे किलोमीटर मीटर नहीं दे रखी है आपकी यूनिट, यहाँ पे राउंड यूनिट है बस, क्लियर। तो यहाँ पे वो जो रिलेटिव स्पीड है उसकी कितनी होगी, 5 राउंड्स पर आ। तो जब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि यहाँ पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि इन ईच राउंड दे विल मीट, हर एक राउंड के बाद में वो मिलेंगे। अगर यहाँ पे 5 राउंड पर आर आ गया, दैट मीन्स कि इन 1 आवर दे विल मीट 5 टाइम्स, 1 आवर, इन 1 आवर दे विल मीट 5 टाइम्स। हाँ जी, 5 राउंड्स कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो 5 टाइम्स मीट कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट हो। दैट मीन्स कि उनको एक बार जब मिल रहे हैं बीच में, तो कितनी देर के बाद मिल रहे हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 by 5 मीन्स 12 मिनट्स के बाद में वो आपस में मीट कर रहे हैं। सॉरी, आर नहीं है ये, मिनट है बच्चे। गलती से आर लिखा गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, मिनट आ जाएगा, मीन्स 12 मिनट्स के बाद में वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 घंटे के अंदर वो 5 बार मिल चुके हैं, अब अगले बार वो 12 मिनट के बाद में अगेन मिलेंगे, फिर अगेन 12 मिनट्स के बाद फिर मिलेंगे, मीन्स 24 मिनट्स के अंदर 2 बार और मीट हो जाएंगे, ठीक है जी, मीन्स 7 टाइम्स उनकी मीटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइम 30 से पहले तो नहीं मीट कर सकते वो, 30 से पहले नहीं क्रॉस कर सकते एक दूसरे को, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे को 30 से पहले क्रॉस नहीं कर सकते, दैट मीन्स टोटल कितने टाइम्स वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स वो उन्होंने क्रॉस किया है और 2 टाइम्स और 20 मिनट्स के अंदर क्रॉस कर लिया, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, 2 मिनट्स ये हो गए, और सॉरी 2 टाइम्स ये हो गया आपके पास में, और आपका 5 टाइम्स ये हो गया, तो टोटल कितने टाइम्स हो गए, 7 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7, क्लियर है। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 3 + 2, रिलेटिव स्पीड होगी आपकी, हाँ जी, 5। दैट मीन्स 5 राउंड हो गए आपके रिलेटिव स्पीड पर आर, मीन्स अगर आपके 5 राउंड्स पर आर रिलेटिव स्पीड है, देन दैट मीन्स दे विल क्रॉस इच अदर 5 टाइम्स इन आर, क्लियर है, इन एन आर वो आपके 5 टाइम्स क्रॉस कर रहे हैं, 5 टाइम्स मीट कर रहे हैं। तो आगे आपके पास में आधे घंटे के अंदर वो कितनी बार और में आपस में मिलेंगे, वो आपके 2 बार और मिलेंगे, तो 5 ये हो गया आपके पास में, ठीक है, और 30 मिनट्स के अंदर 2 टाइम्स और क्रॉस कर रहे हैं, तो टोटल कितनी बार क्रॉस करेंगे, 7 टाइम्स क्रॉस करेंगे, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, 2017 के अंदर आया था। अब जब ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो उसके टाइम पे एक छोटा सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या ले, मेन पॉइंट बच्चों के पास आता है कि हाँ जी डिस्टेंस क्या लिया जाए। तो बच्चे डिस्टेंस क्या होता है, जो ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है जी, और साथ में लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी क्रॉस्ड, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको जिन्होंने क्रॉस करना है उसकी लेंथ। अब ये ऑब्जेक्ट की लेंथ आपने देखनी है, अगर ये आपके पास में कोई ट्रेन को क्रॉस करना है, इसने एक ट्रेन है और उसने किसी ट्रेन को ही क्रॉस करना है, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, ठीक है, या फिर किसी टनल को क्रॉस करना है, ठीक है, इस तरह से, मतलब किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ मेजर करी जा सके, या आप ये कह सकते हो कि ट्रेन की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में जिसकी लेंथ हो तो उसको हम कंसीडर करके चलेंगे, इसको लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को, अदरवाइज जो इसके अलावा अगर, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, कोई भी मैन है, मान लो किसी मैन को क्रॉस करना है, या फिर किसी पोल को क्रॉस करना है, ठीक है, या फिर किसी, हाँ जी, ट्री को क्रॉस करना है,
मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ जो है ट्रेन के रेस्पेक्टिव में मेजरेबल नहीं है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम जीरो लेके चलेंगे और जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? हाँ जी, डिस्टेंस क्या रहेगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आपके ट्रेन के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है ए ट्रेन ऑफ 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स द डिस्टेंस इज, हाँ जी डिस्टेंस कितना है आपके पास में? 200 मीटर, ठीक है। एंड द स्पीड इज, स्पीड कितनी है आपके पास में? स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको सारी यूनिट सेम करके चलनी है, तो यहाँ पे आपके पास में मीटर में गिवन है और यहाँ पे आपके पास किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो आपको इसको एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 200/18 आ गया। ये क्या है? मीटर पर सेकंड। अब टाइम पूछा है उसने कि इन हाउ मैनी सेकेंड, सॉरी, विल इट क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के पास में खड़े हुए मैन को कितनी देर में क्रॉस करेगी? अब यहाँ पे मैन है तो हमने क्या करना, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है मैंने अभी बताया था क्या है, ट्रेन के लेंथ के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है, टाइम क्या आ जाएगा? टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। अब यहाँ पे जो स्पीड है दिस इज 200/18, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 18/200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया? 200/200 × 18, ये आपका क्रॉस आपके पास में क्या आ गया? 18 सेकेंड्स। दैट मीन्स कि द ट्रेन क्रॉस द स्टैंडिंग मैन इन 18 सेकेंड। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2018 के अंदर आपके एग्जाम में आया था। क्या है? टू पर्सन ए एंड बी आर रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक। दो पर्सन है एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रन कर रहे हैं। एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए एंड देयर, जो बी है वो आगे था किससे? बी ए से। देयर पोजिशन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल के ऊपर यहाँ पे आपका बी है। क्लियर है? तो और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो एंगल था दोनों के बीच में वो कितना था? 30 डिग्री के एंगल पे वो चल रहे थे। क्लियर? अब उसने क्या कहा है कि व्हेन ए रीच इज द पॉइंट, व्हेन ए रीच इज द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे पहुंच रहा है? डायग्रामेटिकली अपोजिट टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जो डायमेट्रिकली अपोजिट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट मीन्स कि जब ए आपका यहाँ पे पहुंच गया, मीन्स जब आपका ए यहाँ से चलते हुए आपका जो ए है वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। ही मीट्स बी, वो किससे मिल रहा है? बी से मिल रहा है। दैट मीन्स कि बी भी अपना मूव कर रहा था और इधर से हमारे पास में ए भी मूव कर रहा था, तो जो ये बी है ये भी आपका इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है। मीन्स दोनों के दोनों इस पॉइंट पे आके मीट कर गए, दोनों के दोनों मिल गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड। अब यहाँ पे जो पॉइंट है समझने वाला वो ये देखिए कि जो ए है आपका, जो ए है उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे कुछ भी किलोमीटर में नहीं दे रखा, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम अब क्या करें। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास में क्या गिवन है मेजर करने के लिए? डिग्री गिवन है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे ए जो है उसने कितने डिग्री मूव किया? अब आपको पता है कि जब यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, ए और बी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ए ने कितना डिग्री कवर किया है? 180 डिग्री कवर किया है। क्लियर है? और जो बी है, बी ने कितनी डिग्री कवर किया है? इसने 30 डिग्री लेस कवर किया है। दैट मीन्स कि बी ने कितना कवर किया है? 150 डिग्री कवर किया है, ठीक है। अब हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनकी जो रेशियो है, रेशियो कितनी आ गई है आपके पास में? क्योंकि इसने रेशियो पूछा है आपसे, रेस्पेक्टिव रेशियो। इसने ये नहीं कहा कि आपको किलोमीटर में जवाब देना है, ठीक है, या फिर आपको
जो है किलोमीटर पर आवर में जवाब देना है, रेशियो पूछी गई है, दैट मीन्स कि आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से दोनों का निकालते हैं कट करके, तो यहाँ पे आपके पास में ये आ गए बच्चे 6 एंड 5। दैट मीन्स कि जो उनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस की रेशियो क्या आ गई आपकी, 6:5 आ गई है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड। अब स्पीड की रेशियो पूछी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड दैट मीन्स कि अगर डिस्टेंस की रेशियो 6:5 है, दैट मीन्स कि जो स्पीड है, स्पीड की रेशियो क्या होगी, स्पीड की रेशियो भी आपकी 6:5 होगी। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? जो स्पीड की रेशियो होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 6:5 ही होगी। ठीक है, डन। तो ये आपके पास में ऑप्शन ए के अंदर गिवन है, 6:5। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम टाइम की रेशियो भी पूछ सकते थे। तो अगर टाइम का निकालना होता तो जो टाइम है आपके पास में वो क्या होता है, हाँ जी, कि उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे जो टाइम की जो रेशियो है, टाइम की रेशियो क्या होती है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड दैट मीन्स कि यहाँ पे जो टाइम की रेशियो हो जाती है वो आपकी कितनी आ जाती, 5:6 आ जाती। क्लियर है? हाँ जी। तो आपके पास में अगर किसी भी तरह का इस पे क्वेश्चन आता तो आप आई होप कर लोगे। क्या है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो ए है और बी है, तो ए से बी 30 डिग्री एंगल अहेड है। अगर अहेड है तो यहाँ पे हमने बी को यहाँ पे पुट कर दिया बच्चे, ए को यहाँ पे। अब उसके बाद में कह रहा है कि जो ए डायमेट्रिकली यहाँ पे पहुंच जाता है अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट, दैट मीन्स ए यहाँ पे आ गया, देन ही मीट्स बी, तो वो बी को मिल जाता है। दैट मीन्स कि दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए ने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल आपके पास में 180 डिग्री मूव किया है उसने, और जो बी है, बी ने 30 डिग्री तो पहले ही मूव कर लिया था, अब कितना बच गया, 150 डिग्री। तो बी ने कितना डिग्री मूव किया, 150 डिग्री। तो आपकी जो डिस्टेंस की रेशियो आ गई वो आ गई 6:5, स्पीड की रेशियो कितनी आ जाएगी, 6:5। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और टाइम की रेशियो अगर पूछी होती तो टाइम की रेशियो क्या आ जाती है आपके पास में, 5:6। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, सी वाज इन्फॉर्म्ड दैट सी हैड कंप्लीटेड ओनली 80%। बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपका रेस पे। देखिए ये क्या कह रहा है कि ए के आपके पास में रेस चल रही है, तो जब ये 12 किलोमीटर तक इसने रेस कंप्लीट कर ली है, 12 किलोमीटर इस पॉइंट के ऊपर, तो कह रहा है दिस इज ओनली द 80%। तो ये क्या है, ओनली 80% है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो 80% है वो किसके इक्वल होता है, 80% इज इक्वल टू 4/5। कैसे निकाला मैंने, फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है, 80/100 इज इक्वल टू 4/5। दैट मीन्स 4/5 ऑफ द टोटल रेस डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। क्लियर है? अब उसके बाद में इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ गया, टोटल वैल्यू जो लेंथ है या टोटल जो आपका डिस्टेंस है दैट शुड बी कवर्ड इन द रेस विल बी 15 किलोमीटर। अब आपके क्वेश्चन क्या है, कहता हाउ मैनी किलोमीटर्स वाज द रनर सपोज्ड टू रन इन दिस इवेंट, कि इस इवेंट के अंदर रनर को कितना दौड़ना था, तो कितनी दूर तक जाना था, 15 किलोमीटर जाना था। ये भी हो सकता था क्वेश्चन कि और आगे उसको कितनी किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, तो आगे कितना जाना पड़ेगा उसको, 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन हो सकता था, मैं आप सिंपल 20% निकाल देते तो भी आ जाता। क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। सी सेट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, बस आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए।
तो स्टूडेंट, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और साथ में इसका फ़ायदा आपको क्या होना है कि वहाँ पर आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सीरियल वाइज मिल जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपने करना है तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो कि 2019 में आया था। 2019 पे आपके 2 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 का था और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2019 का। दोनों रेस बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। इट मे बी रेस बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन, तो सारे के सारे तैयार करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई एंड जेड आर 3 कंटेस्टेंट्स इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर। 1000 मीटर की एक रेस है, उसके अंदर 3 कंटेस्टेंट्स हैं। कौन से? एक्स वाई एंड जेड, दैट आर रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड स्पीड से वो मूव कर रहे हैं। अब उसके बाद में हम ये मान ले रहे हैं कि भाई यहाँ से जो एक्स है, क्या कह रहा है? एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि गिव्स स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ से ये आपने मान लीजिए रेस है, ठीक है? ये कितनी है? 1000 मीटर की रेस है। तो यहाँ पे ए है, ए सॉरी एक्स है, एक्स ने गिव दिया है ना वाई को, तो कह रहा है कि यहाँ पे एक्स है, दैट मीन्स कि एक्स को तो कंप्लीट रेस चलनी है, और जो वाई है, वाई को 40 मीटर वो उससे आगे खड़ा कर दिया है हमने रेस के अंदर। क्लियर है? कितना? 40 मीटर। तो जो एक्स है, एक्स को टोटल कितना मूव करना पड़ेगा? एक्स को जो रेस है, रेस जीतने के लिए टोटल कितना चलना पड़ेगा? 1000 मीटर। और वाई को कितना चलना पड़ेगा? हाँ जी, कितनी रनिंग होगी अब वाई की? 40 अपन माइनस कर देंगे। जब 40 माइनस करोगे तो इसका कितना हो जाएगा बच्चे? 960। क्लियर? हाँ जी। आगे क्या कह रहे हैं? एंड एक्स गिव्स जेड ए स्टार्ट ऑफ 64 मिनट। इसी तरह से क्या कह रहा है कि जो एक्स है उसने जेड को कितने का स्टार्ट दिया है? 64 मीटर का। दैट मीन्स कि जो एक्स है उसने 1000 रन करना है, और यहाँ पे जो जेड है, जेड को कितना मूव करना है? 936 मीटर मूव करना है। क्लियर? ये 936 कैसे आया? 1000 माइनस 64, 936, 1000 माइनस 40 इज इक्वल टू 960। आगे क्वेश्चन क्या है? कहता है इफ एक्स वाई एंड जेड वर टू कंप्लीट इन द रेस ऑफ 1000 मीटर। अगर वाई और जेड को रेस कंप्लीट करनी होती, ठीक है ना, देन हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट विल वाई गिव टू जेड? तो वाई जेड को कितने मीटर का स्टार्ट देता? तो यहाँ पे देखिए कि अगर वाई की रेस, क्या यहाँ पे दोनों के लिए एक्स जो है वो सेम है, तो यहाँ पे देखो जब वाई 960 मीटर रन कर रहा है तो जेड कितना रन कर रहा है? 936 रन कर रहा है। देखिए जब आपका जो वाई है, वाई 960 मीटर रन कर रहा है, तो उस केस के अंदर एक्स कितना रन कर रहा है? सॉरी, जेड, जो जेड है, जेड कितना रन कर रहा है? 960 मीटर। क्लियर? अगर वाई आपका 1 मीटर रन करे तो जेड कितना करेगा? 960। डिवाइडेड बाई 930 डिवाइडेड बाई 96, ठीक है? ये जेड है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं टू समझ के आप इसको सॉल्व करने लग जाए। अगर अब उसने क्या कहा है, इफ वाई जेड वर टू कंप्लीट द रेस ऑफ 1000, तो अगर वाई आपका 1000 मीटर की रेस रन करनी है उसने, तो जेड का कितना हो जाएगा आपके पास में? हाँ जी, जेड कितना हो जाएगा आपके पास में बच्चे? 960 डिवाइडेड बाई सॉरी 936 डिवाइडेड बाई 960 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये हो जाएगा आपके पास में 1000। क्लियर? इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये हो गया 4 से 25, ठीक है? तो 4 से हो गया 4 2 जा 8, एंड 4 अगेन ये आपकी 4 की टेबल पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है? एंड 4 4 जा 16,
सिक्सटीन, अब ये सिक्स से जा रहा, देखिए सिक्स थ्री जा, हाँ जी सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स थ्री जा एटीन एंड सिक्स नाइन जा 54, क्लियर है? हाँ जी 39, एंड अब 39 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा बच्चे? हाँ जी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 975। दैट मीन्स कि आपका अगर जो एक्स जो वाई है, वाई अगर आपका 1000, वाई आपका अगर 1000 मीटर की रेस चल रहा है, तो उस केस के अंदर वो जेड को कितना गिव देगा? हाँ जी कितना, यहाँ पे देखिए वाई गिव्स जेड बाई 975 है, तो जेड कितना चल रहा है देखिए 975। अब यहाँ पे इसका कितना है 1000, इसका कितना है 975। दैट मीन्स वाई गिव्स, दैट मीन्स वाई गिव्स जेड ए स्टार्ट ऑफ, कितने का स्टार्ट देगा? हाँ जी स्टार्ट ऑफ, हाँ जी कितने की रेस है आपकी, कितने मीटर की रेस है? 1000 की। तो 1000 माइनस 975, 25 मीटर। हाँ जी बच्चे क्लियर है? ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 मीटर। दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखिए एक्स गिव्स, यहाँ पे गिवन था आपके पास में एक्स गिव्स वाई स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, तो यहाँ पे दैट मीन्स एक्स का आपके पास में 1000 हो गया, वाई का 960 हो गया। देन एक्स गिव्स जेड स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, तो यहाँ पे एक्स हो गया 1000, जेड हो गया 96। इफ वाई जेड वर स्टार्ट टू कम्प्लीट द रेस 1000, तो यहाँ पे हाउ मैनी मीटर स्टार्ट विल वाई गिव टू जेड? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वाई है, वाई 960 मूव कर रहा है मीटर, और जेड 936। तो y जब 960 मूव कर रहा है, तो z कितना कर रहा है? 936। 1 करेगा तो 936 डिवाइडेड बाय 960, एंड जब 1000 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 975। मीन्स जो y है, y इज रनिंग 1000, ठीक है, y हैव टू कवर 1000 मीटर एंड z 975। दैट मीन्स कि y गिव्स z ए स्टार्ट ऑफ 25 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए इतना ही, कल आपके पास आते हैं दूसरा कोई नया टॉपिक लेके। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम सारे के सारे करवा रहे हैं, अभी पहले मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करवा रही हूँ जिसके अंदर से एवरी ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हमारा कराया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।